कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था किस तरह से पाउडर ब्लॉक में जो है वो सरपंचों और लोगों के बीच जो है वो कहा सुनी हो गई और झगड़ा इतना हो गया था कि वहां के एसडीएम और सीनियर ऑफिसर को इंटरवीन करना पड़ा। मसला था कि सरपंचों पर इल्जाम थे कि वो करप्शन करते हैं, लेकिन आज हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें एक साबका इमाम जो जम्मू में कहीं मस्जिदों में इमामत कर चुका है और साथ में वो कहीं मस्जिदों और रिलीजियस प्लेसेस पे जो है वो दर्स भी देता है, कुरान जो है वो साफ तौर पर रिश्वतखोरी और जो मोनोपोली है उस चीज़ को जो है वो क्लियर तौर पर कुरान जो है वो नकारता है और उनको जो उस तरह की जो हरकतें हैं उनको बुरी हरकतों में डाला गया है। लेकिन ये सरपंच जो मोरी पंचायत का सरपंच है ब्लॉक बोंजवा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ जिसका नाम मोहम्मद अली है, जो साबका इमाम भी है और रिलीजियस प्रीचर भी है, ये कैमरे पर साफ कहता है कि कमीशन कब नहीं चलता था, इससे पहले भी चलता था, जो सरपंच थे अब भी चलता है और चलता रहेगा। चंद लोग हैं, लोग जब पेमेंट मांगते हैं लेते हैं, मैं जुर्रत रखता हूँ, मैं बेजुर्रत इंसान नहीं। बिल्कुल सही बात है, अगर कमीशन आज सरपंच ले रहे हैं या दे रहे हैं ये नई बात नहीं है। आप जब से नरेगा शुरू हुआ या जब से पंचायतें शुरू हुई है तब से देख लीजिए किस जगह में किस सरपंच ने किस ओहदेदार ने कमीशन नहीं ली, ऑफलाइन भी देखिए और ऑनलाइन भी देखिए। बात है 30 सितंबर को जो गवर्नमेंट का यूम ब्लॉक प्रोग्राम जो है बैक टू विलेज इनिशिएटिव जो था, उससे पहले गवर्नमेंट के जो प्लान थे कि जो लोगों को आउटरीच की जाए जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग जो है वो कैंप्स करेंगे, ये कैंप जो था बोंजवा हेडक्वार्टर पर था, वहाँ पर सीनियर ऑफिशियल्स भी मौजूद थे और ये सरपंच भी मौजूद थे। जब लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि जो मटेरियल का पैसा है और जो बाकी स्कीमों का पैसा जो है वो 14th FC है, सरपंचेज और पंचेज ने या तो अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम पर निकाले हैं या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम पर निकला है। तो जब इन इल्ज़ामात का जवाब दे रहे थे हमारे सरपंच साहब तो उन्होंने साफ जो है वो एक्सेप्ट कर लिया कि रिश्वत चलती आ रही थी, रिश्वत चलेगी और आगे भी चलती रहेगी। अगर ये हाल एक पंचायत रिप्रेजेंटेटिव का है तो आप समझ रहे कि जो RDD डिपार्टमेंट में अक्सर जो है वो एम्प्लाइज पर करप्शन की बात चलती है, लेकिन जब से पंचेज और सरपंचेज को जो है PRIs को जो है वो पावर दी गई है जिसमें ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग पावर भी जो है जितना भी ब्लॉक में मटीरियल पेमेंट निकलेगा 14th FC का पैसा निकलेगा वो जो है वो थ्रू सरपंच निकलेगा। तो कुल मिलाकर ये बात सामने आती है कि क्या गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं कि करप्शन को ख़त्म किया जाए और हमारे LG साहब जिन्होंने पिछले एक हफ्ते में 3 सीनियर KS ऑफिसर जो है उनको सस्पेंड किया है, जिनमें 250 करोड़ का जो कॉपरेटिव बैंक स्कैंडल था वो भी एक केस था जिसमें 2 सीनियर जो KS ऑफिसर है यहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर लेवल के ऑफिसर थे उनको जो है वो सस्पेंड किया है। क्या इस वीडियो को देखने के बाद जो LG की गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है क्या वो जो सरपंचेस के थ्रू करप्शन हो रहा है उस करप्शन की इंक्वायरियाँ कराएंगे और क्या जो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनके खिलाफ भी वैसे ही कार्रवाई होगी जैसे 3 सीनियर KS ऑफिसरों को करप्शन में इन्वॉल्वमेंट होने पर की गई है। मैं आसिफ नायक।